ईरान में पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास दो विस्फोट हुए। इन विस्फोटों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है, जबकि 170 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये धमाके ईरान के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर उनकी कब्र के पास हो रहे एक समारोह को निशाना बनाकर किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के करमान शहर में ईरानी सेना के पूर्व जनरल सुलेमानी की कब्र के पास पहला धमाका हुआ था। उसके बाद दूसरा धमाका हुआ जिनमें 81 लोगों की मौत हो गई। एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि सड़क के किनारे कब्रिस्तान के पास विस्फोट हुआ। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह विस्फोट किस वजह से हुआ है या फिर यह कोई आतंकी हमला है। इजराइल पर लगा आरोप। करमान प्रांत से ईरान के सांसद हुसैन जलाली ने कहा कि इस दोहरे विस्फोट का दोषी यकीनन इजराइल है। सुलेमानी की कब्र पर हुए इन विस्फोटों में अब तक 103 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 170 लोग घायल हुए हैं। धमाकों के बाद मची भगदड़। रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाके जिस कब्रिस्तान के पास हुए हैं वहां पूर्ण जनरल सुलेमानी की कब्र है। जिस समय धमाके हुए उस समय उनकी मौत की चौथी बरसी मनाई जा रही थी। विस्फोटों के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। फिलहाल बड़ी संख्या में एम्बुलेंस मौके पर है। कहा जा रहा है कि भगदड़ मचने की वजह से कई लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हादसा या आतंकी हमला। कई रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़क पर कई गैस कंटेनरों में विस्फोट हुआ है, लेकिन स्थानीय अधिकारी ने फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की है। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि क्या विस्फोट गैस सिलेंडर की वजह से हुआ या फिर नहीं। इस घटना को आतंकी हमला भी माना जा रहा है। कैसे हुई थी पूर्व जनरल की मौत? पूर्व जनरल सुलेमानी की 3 जनवरी 2020 को बगदाद हवाई अड्डे पर अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई थी। ईरान में सुलेमानी एक कद्दावर शख्सियत थे। उन्हें ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्ला खुमैनी के बाद देश का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। वह ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की फॉरेन ऑपरेशन ब्रांच कुस फोर्स के कमांडर थे। वह ईरान के खुफिया मिशनों से जुड़े हुए थे। वह हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ कई सहयोगी सरकारों और सशस्त्र समूहों को गाइड भी करते थे। साथ ही उन्हें हथियार और अन्य जरूरी सहायता मुहैया कराते थे। 2020 में ट्रंप ने सुलेमानी की मौत को सबसे बड़ी जीत बताते हुए उन्हें दुनिया का आतंकी नंबर एक तक कहा था।